केलांचल टाइम, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, स्वागत है केलांचल टाइम्स में। मैं हूँ आपके साथ वंदना। आइए देखते हैं केलांचल टॉप 10, जहाँ पर होगी देश और राज्य से जुड़ी प्रमुख खबरें। भारत पहुंची रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी तीसरे चरण के टीकाकरण में मिलेगी मदद। कोविड-19 की रूसी टीके स्पुतनिक वी के तीसरे चरण के परीक्षण में यह 91% प्रभावी साबित हुई है और कोई भी दुष्प्रभाव नजर नहीं आया। स्पुतनिक वैक्सीन के भारत आने से तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में तेजी देखने को मिलेगी। कोरोना संकट के बीच में केंद्र सरकार ने खोला खजाना। राज्य को जारी की गई 8873 करोड़ की पहली किस्त। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि राशन 2021-22 के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया राहत कोष में राशन को धारकों को पहली किस्त मई और जून का राशन 71 करोड़ राशन कार्ड न जारी की गई है। गृह मंत्रालय की सिफारिश पर 31 मई तक राशि राज्य को जारी मई और जून महीने का राशन पहुँचा दिया जाएगा। झारखंड में मई और जून का राशन एक साथ पहुंचेगा। घर कार्ड न होने पर भी मिलेगी राहत। झारखंड में राशन कोड धारकों को मई और जून का राशन एक साथ मिलेगा। राशन कार्ड न होने पर भी जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। 31 मई तक सभी राशन कार्ड धारकों को मई और जून महीने का राशन पहुंचा दिया जाएगा। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के पोइट्री एंड पेंट नाइट में झारखंड की वंदना टेटे का काव्य पाठ 30 को। झारखंड की आदिवासी कवित्री वंदना टेटे को हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने पोइट्री एंड पेंट नाइट के कार्यक्रम में काव्य पाठ के लिए आमंत्रित किया है। झारखंड में आज से शुरू नहीं हो पाया 18 से अधिक उम्र का टीकाकरण। झारखंड ने टीका के लिए भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट को जो ऑर्डर दिया है उसका भुगतान भी कर दिया है। इन कंपनियों की ओर से जब टीका उपलब्ध कराया जाएगा तब इस आयु वर्ग का टीकाकरण शुरू किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सरकार की ओर से कंपनी को लगभग 150 करोड़ का भुगतान भी कर दिया गया है। साहिबगंज में नकली थानेदार गिरफ्तार, वाहनों से कर रहा था अवैध वसूली। झारखंड के साहिबगंज में पुलिस ने एक नकली थाना प्रभारी को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि तलबरिया चौक पर चार लोग सुमो गाड़ी की सड़क पर लगाकर वाहनों से अवैध वसूली कर रहे हैं। उनमें से एक को बोरहटे थाना में प्रभारी बता रहा है खुद को। झारखंड के 5000 डीट राइडर 15 मई तक सेल्फ लॉकडाउन में। झारखंड के 5000 डीट राइडर 15 मई तक से झारखंड दस्तावेज नवीन हमारी के लगभग 5000 के सदस्य 1 मई से 15 मई तक पहले की भांति 5000 सदस्य 1 मई से 15 मई तक पहले की भांति पुनः कार्य लॉकडाउन में रह बंद रखने पूरे कार्यस्थल को बंद रखने का निर्णय लिया है। ट्रक में आग लगने देने के मामले में अज्ञात 40 से 50 ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज। रामगढ़ की खबर है ये। भागलपुर जिला अंतर्गत खारिक बाजार के प्रवेश कुमार ने 40 से 50 अज्ञात ग्रामीणों पर मारपीट कर घायल कर देने तथा ट्रक में आग लगा देने के आरोप में रामगढ़ थाना में दर्ज कराई है। झारखंड ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पत्रकार आज सरकार के खिलाफ सरायकेला सरसावा के सड़कों पर उतरे। आज 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर पत्रकारों ने काला दिवस मनाते हुए हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हेमंत सरकार से पत्रकारों को कोरोना वॉरियर न घोषित करने और दिवंगत पत्रकारों को अब तक मुआवजा न देने पर जोरदार प्रदर्शन किया। झारखंड सरकार का आदेश, सरकारी व निजी अस्पतालों को 70% बेड कोरोना संक्रमितों के लिए आरक्षित करना जरूरी। अस्पतालों को कहा गया कि वर्तमान स्थिति का आकलन करने के बाद यह निर्णय लेना जरूरी है। बड़े अस्पतालों को 50 अतिरिक्त बेड और अन्य अस्पतालों को 25 अतिरिक्त बेड बढ़ाना होगा। यह आदेश 30 अप्रैल को विशेष कार्य पदाधिकारी डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रग्राही ने जारी करी है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।